हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अडानी इंटरप्राइजेस शेयर के ऊपर। अगर हम लोग बात करेंगे अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर में, आज हम लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिला। ऑलमोस्ट 10% से ज़्यादा का गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिला। तो इस स्टॉक के ऊपर न्यूज़ भी है और साथ ही साथ हम लोग टेक्निकली भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग न्यूज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। तो अडानी इंटरप्राइजेस जो है मुंद्रा में आपको एक प्लांट डेवलप करने वाला था, जहाँ पे कि आपको कोल टू पीवीसी बनाया जाता, कोल से पीवीसी बनाया जाता 2 मिलियन टन के कैपेसिटी का। लेकिन अब जो है अडानी इंटरप्राइजेज काफ़ी सारे न्यूज की वजह से जो है यहाँ पे अभी स्टेटमेंट आया है कंपनी के सीएफओ के द्वारा, जो अभी जो है आपको ग्रुप रिव्यू कर रहा है, जो वहाँ पे किस टाइप से इस प्लान को आगे प्रोसीड किया जाए उसके ऊपर जो है रिव्यू होने वाला है। तो इसी वजह से जो है हम लोगों को एक गिरावट देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में। और टेक्निकली भी अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टॉक अभी भी वीक दिख रहा है। इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, अगर वापस से ये 2200 का लेवल क्रॉस करता तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता था, लेकिन यहाँ पे एक शार्प सेलिंग आया, उसके बाद वापस से एक शार्प पुल बैक हुआ और पुल बैक के बाद अगेन यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो क्लियरली हम लोगों को एक अच्छा ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। प्रीवियस एनालिसिस में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था 1500 के लेवल के नीचे अगर स्टॉक निकलता है तो फिर वापस से आपको यहाँ पे 1000 का लेवल इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से अभी भी इस स्टॉक में आपको कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे जो है बाई साइड के लिए अभी आपको ट्रेड नहीं करना है, शॉर्ट साइड के लिए आप जरूर यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे छोटे टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी, तो यहाँ पे जो है आप वेट कर सकते हैं पुल बैक का, और पुल बैक के बाद अगर वापस से आपको 15 मिनट के लेवल पे अपॉर्चुनिटी मिलता है तो डेफिनेटली आप शॉर्ट करने के लिए जा सकते हैं। क्योंकि अगर इस ट्रेंड लाइन को अगर यहाँ पे देखेंगे तो मैंने रफली ड्रॉ किया है, लेकिन अगर आप यहाँ पे अच्छे तरीके से मिलाएंगे तो क्लियरली आपको दिख रहा है यहाँ पे बाउंस लिया, अगेन इसी लेवल से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, यहाँ पे भी वापस से कंसोलिडेट किया, इसी लेवल से ब्रेकडाउन आया, वापस से यहाँ पे पुल बैक ले सकता है, अगेन सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हो सकता है। तो आप यहाँ पे शॉर्ट साइड के लिए बिल्कुल शॉर्टर टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं, बट अभी जो है बाइंग का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कहीं भी नहीं है। स्टॉक वापस से 1000 का लेवल रीटेस्ट कर सकता है। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।